श्री रामलीला समिति ऐशबाग लखनऊ का रामोत्सव 2024 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 3 अक्टूबर से यह प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 3 अक्टूबर से लगातार रामलीला का मंचन ऐशबाग रामलीला समिति के प्रांगण में किया जाएगा, जिसको देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ में श्री रामलीला समिति ऐशबाग के प्रांगण में किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि इस वर्ष की रामोत्सव 2024 में क्या खास होने वाला है। रामोत्सव 2024 का प्रारंभ 3 अक्टूबर से किया जाएगा। 3 अक्टूबर से लगातार रामलीला का मंचन ऐशबाग श्री रामलीला समिति के प्रांगण में किया जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगा। 12 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर एक विशाल रावण का दहन किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ पुरानी परंपराओं से अलग हटते हुए अब श्री रामलीला समिति ऐशबाग कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले का दहन नहीं करती है। कुछ नई परंपराओं की भी शुरुआत हर वर्ष की जाती है और एक बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाता है। इस वर्ष भी समाज में व्याप्त एक बुराई के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाएगा। के रामोत्सव 2024 में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पत्रकार बंधुओं, ये जिस रामलीला प्रांगण में आप बैठे हैं, यहाँ पर 16वीं शताब्दी से पूर्व संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहने का शुभारंभ इसी स्थान से किया था। श्री रामलीला समिति ऐशबाग उसी परंपरा को निरंतर इतने वर्षों से निभाती चली आ रही है। हमने कोरोना काल में भी इस परंपरा को टूटने नहीं दिया और कोरोना काल में भी हमने मंच के ऊपर इसी तुलसी सभागार के अंदर यहाँ मंच बना करके ऑनलाइन रामलीला का मंचन किया। दशहरा पर्व भी मनाया, 100-200 लोगों के बीच में ही दशहरा पर्व मनाया, रावण दहन का पुतला भी किया। इसीलिए रामलीला हमेशा प्रतिवर्ष अपना रामोत्सव बड़े उल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ मनाती चली आ रही है। रामलीला समिति ने इस बार कुछ बदलाव भी अपने कार्यक्रम में किए हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे। रामलीला समिति ने 3 अक्टूबर से प्रथम नवरात्रि के दिन से हमेशा रामलीला का शुभारंभ होता है। 3 अक्टूबर से हमारी रामलीला का शुभारंभ होगा। प्रथम दिन राम जी का जन्म होगा, उसके बाद से उनकी लीलाओं का वर्णन हम इस मंच पर करेंगे। साथ साथ हम एक परंपरा का निर्वाह करते आ रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही स्थापित की गई थी। उस परंपरा में सबसे प्रथम हम गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करने के पश्चात हम 6 पात्रों का आवाहन करते हैं और 6 पात्रों का पूजन करते हैं, जिसमें से राम जी का अभिनय करने वाले लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी और हनुमान जी। इन 6 पात्रों का हम बाकायदा पूजन करते हैं और पूजन करके ये उनके अंदर देवताओं का वास हो या वो उस अभिनय के माध्यम से राम कथा कहने जा रहे हैं तो पूजित हो जाते हैं वो, और हम उनको पूजन करके ही मंच पर जाने देते हैं, जीवन जीते हैं और किसी प्रकार की कहीं पर भी यहाँ से बाहर परिसर से बाहर नहीं निकलते। साथ साथ हम उन पर किसी प्रकार का किसी बाहरी व्यक्तियों से मिलने पर भी कोशिश करते हैं कि बाहरी व्यक्तियों से भी उनका मिलन यहाँ पर ना हो और वो अपने अभिनय में, अपने राम के रूप में, अपने भरत के रूप में, अपने लक्ष्मण के रूप में, शत्रुघ्न जी के रूप में, सीता जी के रूप में और हनुमान जी के रूप में वो अपने को महसूस करें। ये परंपरा भी उसी समय से चली आ रही है। उसके बाद हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हम 3 बजे प्रारंभ करेंगे और 6 बजे उसका समापन करने के पश्चात हम रामलीला को 7:30 बजे मंच का प्रारंभ करेंगे। मंच का प्रारंभ करने में हम सबसे पहले देवताओं की स्तुति करेंगे। देवताओं की स्तुति करने के साथ से हम उनका आह्वान करेंगे कि वो आकर के राम कथा के रामलीला के मंच पर आकर राम कथा का श्रवण करें और देखें। उनका करने के पश्चात फिर भजनों के ऊपर कुछ एकेडमी द्वारा हम यहाँ पर उसका उनसे भजनों के ऊपर बच्चों से नृत्य प्रस्तुत कराएंगे। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और 8:30 बजे कलाकारों द्वारा
भजनों के ऊपर नृत्य किया जाएगा, भजनों पे ही नृत्य होगा, और जो भजन एक दिन हो जाएगा वो पूरे 10 दिन में दोबारा रिपीट नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था इस बार की गई है। अक्सर होता ये है कि एक ही भजन के ऊपर बच्चे या और कलाकार जो है वो बार 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 एक ही भजन के ऊपर नृत्य करते रहते हैं। तो जो भी नृत्य हमारे प्रस्तुत होंगे, नृत्य प्रस्तुत करने के पीछे मंशा ये है कि हमारा वातावरण यहाँ का जो है वो बिल्कुल धार्मिक हो जाए, और धार्मिक होने के साथ साथ लोग उसमें रामलीला, राम की लीला देखने के लिए अपने को तत्पर कर लें। 8:30 बजे हम रामलीला का मंचन शुरू कर देंगे। विगत कई वर्षों से हमने प्रयास तो किया इन चीजों का, लेकिन होता क्या था कि कभी 9:30 बजे रामलीला शुरू हो रही है, कभी 10 बजे रामलीला शुरू हो रही है। लेकिन अब हमने निर्णय किया है कि सामने भक्तगण तो आ ही जाते हैं, संख्या उनकी कितनी भी हो, हम 8:30 बजे एग्जैक्ट बिल्कुल सही टाइम पर रामलीला का मंचन शुरू कर देंगे, और 11:30 बजे के पहले पहले उसका समापन भी कर देंगे। अब की इस वर्ष हमने 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। 12 अक्टूबर के दिन रावण दहन, रावण का वध होगा, वध होने के बाद पुतला दहन होगा, और उसके बाद भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया। इस बार हमने आतिशबाजी में ये प्रयास किया है कि जो छोटे कला, जो छोटे आतिशबाज है, जो बड़ी सुंदर आतिशबाजियां बनाते हैं, सगर गिन्नी बनाते हैं और तमाम तरीके के महल बनाते हैं, जय श्री राम बनाते हैं, इस तरीके की आतिशबाजी वो स्वयं निर्मित करके लाते हैं। शिवा काशी वाली आतिशबाजी भी उसमें होगी, लेकिन साथ साथ हमने इस बार प्रयास किया है कि छोटे आतिशबाजों को भी हम मौका दें और वो यहाँ पर आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करें जो इस समय विलुप्त होती जा रही। तो आतिशबाजी का वो प्रदर्शन भी आपको इस बार दशहरा पर्व के दिन इस रामलीला प्रांगण में दिखाई पड़ेगा। एक बदलाव हमने और किया है इस बार, हम प्रतिवर्ष लवकुश लीला आखिरी दिन दिखाते थे, लेकिन इस बार कमेटी ने निर्णय लिया है कि कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ उल्लास से हो तो उसका समापन भी उल्लास से हो, लेकिन जब हम लवकुश लीला दिखाते हैं तो हम 11 दिन तो राम को, श्री राम को हीरो के रूप में प्रस्तुत करते हैं और 12वें दिन हम उनको विलन बना देते हैं, और एकदम नीरसता छा जाती है वातावरण में। अगर श्री राम की जय बोलो तो श्री राम की जय बोलने के लिए लोग तैयार नहीं होते, इतना प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है। सीता जी का वन गमन, सीता जी का धरती में समाना, ये देख करके भाव भी ओला जाते हैं, और उसके बाद वो लोग जो है माता सीता की जय बोलो तो पूरा प्रांगण उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन राम की जय बोलो तो प्रांगण में कोई एक बार आवाज भी नहीं, उधर प्रत्युत्तर भी नहीं देता। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर से जब श्री रामलीला समिति ऐशबाग लखनऊ के प्रांगण में रामलीला शुरू होगी तो सबसे पहले प्रमुख 6 कलाकारों का पूजन किया जाता है, इसके पश्चात ही वे अपने रूप में आते हैं, और इस दौरान उनको समाज से अलग रखा जाता है ताकि उनका किसी और से मिलाप ना हो सके, वो किसी और चीज़ों की तरफ ध्यान ना जाए और वो अपने कैरेक्टर में ही रहे। श्री रामलीला समिति ऐशबाग लखनऊ का इतिहास काफ़ी पुराना है, 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस रामलीला का प्रारंभ किया गया था, जिसकी परंपरा आज भी लखनऊ में जीवित है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी लखनऊ।